हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स इन स्पेस। आज हम आपसे एक डिफरेंट प्लांट शेयर करेंगे जो कि देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। ये है ब्रायोफाइलम प्रोलीफेरा। ब्रायोफाइलम की डिफरेंट वैरायटी होती हैं जिनमें से ये एक है और इसके कई नाम हैं, जैसे कि कैलेंचो प्रोलीफेरा, इसको ब्लूमिंग बॉक्सेस नाम से भी जानते हैं। और इसकी लीव्स की वजह से ये बहुत प्यारा लगता है। कहीं कहीं पर इसमें लीव्स में छोटे छोटे कप्स बन जाते हैं। हर लीफ में नहीं बनते हैं लेकिन कुछ लीव्स में ज़रूर बनते हैं और वो तो देखने में और भी प्यारे लगते हैं। तो ये छोटे छोटे कप्स आप देख ही रहे होंगे, ये बहुत प्यारे लगते हैं। हल्का मरून शेड होता है इनकी एजेस पर जो कि और खूबसूरती इसकी बढ़ा देता है। ब्रायोफाइलम की लास्ट वीडियो जो हमने आपसे शेयर की थी उसमें इसकी शेप दूसरी तरह से थी, क्योंकि फिर इसको बंदरों ने तोड़ दिया और जहाँ से बंदरों ने इसको तोड़ा वहीं से ही इसमें न्यू शूट्स बन गई और ज़्यादा शूट्स बन गई। जैसे कि हम कोई कटिंग लेते हैं, कोई ब्रांच को कट करते हैं, वहीं से ही उसमें ज़्यादा शूट्स बन जाती हैं। इससे क्या होता है, प्लांट ज़्यादा घना बनता है। तो कुछ इस तरह से ही इस प्लांट के साथ हुआ और कुछ कुछ इसने गोल शेप ले ली, वो भी और प्यारी लग रही थी। तो जो प्लांट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई वो आई इसके स्टेम में। स्टेम कुछ इस तरह का बेकार होने लगा और ये नेचुरल है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। यहाँ से इसको कट कर देंगे और फिर से ग्रो करेंगे, ये ठीक हो जाएगा, जो कि आप वीडियो में आगे देखेंगे। ये इसके बेबी प्लांट्स हैं, यानी कि ये जो प्लांट है ये आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं और बेबी प्लांट से भी इसको ग्रो किया जा सकता है। तो काफ़ी सारे प्लांट्स इसमें बन चुके हैं। और ये जो प्लांट है ये भी हमने कटिंग से ग्रो किया था और ये भी देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ कर रहा है। तो इसको पानी की कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जितने भी सकलेंट फैमिली के प्लांट्स होते हैं जिसमें वाटर ऑलरेडी होता है स्टेम में या लीव्स में, तो वो बहुत आसानी से ग्रोथ कर लेते हैं कटिंग से भी। ये इसकी एक कटिंग है जो कि जब मदर प्लांट को बंदरों ने तोड़ा था तो उसका जो ब्रांच थी वो हमने यहाँ पे इस पॉट में लगा दी थी। फिर ये ग्रोथ करती गई, काफ़ी अच्छे से ग्रोथ की, लेकिन अब ये भी थोड़ी सी बेकार हो गई। तो इसको ठीक करने का सबसे आसान तरीका क्या है, जहाँ से ही ये बेकार होने लगे वहीं से ही इसको कट कीजिए और जितना भी इन्फेक्टेड पोर्शन है उसको कट कर दीजिए और फिर इसको रीग्रो आप कीजिए। बहुत आसानी से ये ग्रोथ कर लेता है। अब जैसे ये मदर प्लांट है, इसका जितना भी इन्फेक्टेड पोर्शन है उसको कट कर देंगे। और साथ ही देखिए बेबी प्लांट्स भी इसमें बन रहे हैं काफ़ी सारे। तो अगर आपने ये प्लांट एक बार ग्रो कर लिया तो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि ये कटिंग से भी ग्रो हो जाता है और बेबी प्लांट से भी आप इसके नए पौधे तैयार कर सकते हैं। तो इन्फेक्टेड पोर्शन हमने कट कर दिया है, अब इसमें न्यू शूट साइड से निकल जाएंगी जहाँ पे लीफ नोड होता है, पत्तियाँ जहाँ से बनती हैं, और फिर ये फिर से घना हो जाएगा। और जो ये सेकेंड इसकी कटिंग है इसको भी हम एक्स्ट्रा लीव्स कट करके और जितना भी इन्फेक्टेड पोर्शन है उसको कट करके फिर से सॉइल में इससे कवर कर देंगे सॉइल में, तो फिर ये एक प्लांट फिर से नया बनकर तैयार हो जाएगा। इस तरह से ब्रायोफाइलम कभी आपके पास ख़त्म नहीं होगा अगर आपने एक बार ग्रो कर लिया है तो। तो अभी जो मदर प्लांट है उसमें से ही बेबी प्लांट्स हटा देते हैं और इनको कहीं और या तो बाहर ज़मीन में लगा देंगे या फिर दूसरे पॉट्स में इनको शिफ्ट कर देंगे। तो इस तरह से इन बेबी प्लांट्स को आप इजीली ग्रो कर सकते हैं। और ब्रायोफाइलम के लिए कोई स्पेशल सॉइल नहीं चाहिए, जिस भी सॉइल में आप लगाना चाहें इसको ग्रो कर सकते हैं। बस ऐसी मिट्टी में लगाना है जिसमें पानी होल्ड ना हो, यानी कि अगर पानी रुकेगा मिट्टी में तो फिर ये गलने लगेगा और बेकार हो जाएगा। ये इसके बहुत छोटे प्लांट्स हैं जो कि इनसे भी आप इनको ग्रो कर सकते हैं। तो अब हमारे मदर प्लांट को हम ठीक कर लेते हैं, इसको तोड़ देते हैं, कट कर देते हैं और जितना भी इन्फेक्टेड पोर्शन है इसको भी कट कर देंगे और अब सॉइल में इसको ग्रो करेंगे। सॉइल कोई स्पेशल बनाने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल गार्डन सॉइल होनी चाहिए। उसमें आप थोड़ा सा, जब फर्स्ट टाइम प्लांट ग्रो कर रहे हैं तो 2-3 मुट्ठी गोबर की खाद यानी काउडंग या वर्मी कंपोस्ट या जो भी फर्टिलाइज़र है आप ऐड कर सकते हैं, जिससे प्लांट अच्छे से ग्रोथ कर पाए। लेकिन हमारे पास एक पॉट पहले से ही तैयार रखा हुआ है, तो इसको हमने फरवरी में तैयार किया था, वही काउडंग ऐड किया था इसमें गोबर की खाद नॉर्मल सॉइल में, तो इसी में ही इसको लगा देने वाले हैं। आप इसको जो कटिंग हमने ली है एक दो दिन रखा भी रहने दे सकते हैं, जिसका जो इसका कट पोर्शन है वो थोड़ा सूख जाए तो फंगस लगने की थोड़ी कम इसमें चांसेस रहते हैं। लेकिन हमें आपको दिखाना है इसको ग्रो करके, इसीलिए हम हाथों हाथ ही इसको ग्रो कर देते हैं। बस एक काम करेंगे, इसमें पानी नहीं देंगे तो फंगस नहीं लगेगी इसमें, इसको ऐसे ही रहने देंगे और अपने आप ही ये ग्रोथ कर लेगा, क्योंकि वाटर कंटेंट होता है प्लांट में तो पानी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हल्की सी नमी आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तो इस तरह से हमारे सभी प्लांट्स तैयार हैं जो कट हो चुके हैं, उसमें न्यू शूट्स आ जाएंगी और कटिंग दूसरे पॉट्स में ग्रो करेंगे, बेबी प्लांट्स भी ग्रो कर देंगे। फर्टिलाइज़र की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है और सेमी शेड में आप प्लांट को रखिए, अच्छी ग्रोथ होगी। थैंक यू।